स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन के क्वेश्चन को जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन के क्वेश्चन को जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम वीडियो में देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सो आई राइट हियर फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। ओके, अब कुछ क्वेश्चन में लिखता हूँ, ये क्वेश्चन आपको नंबर लाइन के ऊपर जो है शो करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 9 माइनस 4 नंबर, सेकेंड 12 माइनस 8 एंड नंबर थर्ड 6 माइनस 3। ओके, देयर आर थ्री क्वेश्चन, 9 माइनस 4, 12 माइनस 8 एंड 6 माइनस 3। अब ये क्वेश्चन जो है आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है नंबर लाइन के ऊपर आपको शो करना है, उसके ऊपर आपको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ही आपने ड्रॉ किया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके नंबर्स लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। यहाँ पे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे, 9 माइनस 4 है। ओके, जो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 9 माइनस 4, तो जो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 9, तो आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है 9 कहाँ पर है, देयर इज़ 9। अब यहाँ पर जो है 9 है, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। करना क्या है आपको, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको क्या करना है, 9 पास से आपको क्या करना है, 4 स्टेप बैक लेना है। 4 स्टेप बैक मीन्स राइट हैंड साइड 4 स्टेप आपको क्या करना है, बैक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, मीन्स 9 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपका आंसर जो है कितना होता है, 5। मीन्स 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका क्या है, आंसर है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे, बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको सबसे पहले देखना है कि 9 है, 9 में से आपको 4 माइनस करना है, तो आपको 4 जो है राइट हैंड साइड जो है बैक काउंट करना है, मीन्स 1, 2, 3, 4, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है 5। मीन्स 9 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपका आंसर जो है 5 होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको नेमिंग करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो है 12। फर्स्ट नंबर क्या है, 12 में से आपको 8 माइनस करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 12 पे आप जो है एक आपको साइन करना है, इस तरह की कोई भी साइन बनाना है, मीन्स ये टॉवल यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वहाँ से आपको क्या करना है, 8 माइनस करना है। तो मीन्स आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड आपको 8 स्टेप जो है काउंट करना है, राइट हैंड साइड मीन्स यहाँ इस साइड में आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 4 पे स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। 12 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो उसका आंसर जो है 4 होता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको 12 लिखना है फर्स्ट में, 12 पे आपको एक इस तरह से स्टेप काउंट करना है, वहाँ से 8 स्टेप काउंट करना है राइट हैंड साइड में, जहाँ पे आंसर आता है दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, 6 माइनस 3 नंबर, थर्ड क्वेश्चन 6 माइनस 3, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है,
लाइन ड्रॉ करना है आपको। लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो फर्स्ट नंबर इज 6, जो पहला नंबर कौन सा है यहाँ पर 6 है, तो आपको 6 पे एक इस तरह से आप एक छोटा सा जो है सर्कल भी बना सकते हो। ओके, अब यहाँ से 6 में से आपको क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। 3 माइनस करना है मीन्स आपको क्या है, राइट हैंड साइड जो है बैक काउंट करना है 3, 1, 2, 3। मीन्स कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 3 पे स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप एक छोटा सा जो है सर्कल बना सकते हो। मीन्स 6 में से अगर आपने 3 माइनस किया तो उसका आंसर जो है 3 होता है। मीन्स दैट मीन्स 6 - 3 इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क देता हूँ करने के लिए, वो होमवर्क आपको घर पे अच्छे से सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 - 7 - 3 इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है इसका आंसर क्या आएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन 9 - 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड थर्ड क्वेश्चन 15 - 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से घर पे सॉल्व करना है, इसका आंसर जो है फाइंड आउट करना है और नंबर लाइन पे शो करना है। सो कंप्लीट योर होमवर्क, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।